नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की वरोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खंबाड़ा गांव के पास एक नाले में 3 वर्षीय मादा बाघिन पाई गई। वन अधिकारियों ने दावा किया है कि नाले पर बने पुल के करीब पाए गए बिल्ली के बच्चे के शव ने संभावित हिट एंड रन मामले का संदेह पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासियों की नजर मृत बाघिन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत वरोरा रेंज कार्यालय को सूचित किया। तब त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए रेंज वन अधिकारी सतीश शिंदे और उनकी टीम उस स्थान पर पहुंची, जहां उन्होंने पूछताछ की। औपचारिकताओं के बाद बाघिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए हटा दिया। प्रभारी सहायक वन संरक्षक जी आर नायगमकर ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और PCCF वन्यजीव बंधु धोत्रे और मुकेश भंडाकर के साथ घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाघिन के शव को बाद में विस्तृत पोस्टमार्टम जांच के लिए चंद्रपुर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर TTC में ले जाया गया। RFO शिंदे ने कहा कि बाघिन के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे अवैध शिकार की संभावना को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौत के सटीक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हो सकेगी। उन्होंने बताया कि रेंज के खमांडा क्षेत्र में बाघिन की उपस्थिति ज्ञात थी। इसकी तस्वीरें कैमरा ट्रैप के माध्यम से कई बार ली गई थी। ये घटना विदर्भ में वन्य जीवों की दुर्भाग्यपूर्ण संख्या को बढ़ाती है। अकेले इस वर्ष 35 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इनमें से 18 मौतें चंद्रपुर जिले के जंगलों के भीतर अलग अलग घटनाओं में हुई है, जो क्षेत्र की लुप्तप्राय बाघ आबादी के लिए संरक्षण प्रयास और बढ़े हुए सुरक्षात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। देखिए जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।